दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रोहित टेक ब्लॉग्स को। आज का वीडियो का पर्पज ये है कि अभी जो आज कल वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा होगा कल के वीडियो में कि हमने अपनी दो पुरानी मशीनें परचेज करी थी, IR 7200 और IR 8500। उसको लखनऊ से नागपुर भेजा है वायर ट्रांसपोर्ट भैया आए थे, उन्होंने मशीन देखी, चक्करियों ले गए यहाँ से नागपुर, लखनऊ से नागपुर ले गए। ऐसे ही फिर हम सोचे कि जब हम लखनऊ से नागपुर मशीन भेज सकते हैं तो हम लखनऊ से बलिया मशीन क्यों नहीं भेज सकते, हम लखनऊ से कानपुर क्यों नहीं भेज सकते, हम लखनऊ से रायबरेली, आजमगढ़, प्रतापगढ़ क्यों नहीं भेज सकते। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आप रहते हैं आजमगढ़, मतलब यूपी के आप किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप यूपी से बाहर रहते हैं, अगर आपका काम फोटोकॉपी मशीनों का है और आप चाहते हैं कि आप अपनी मशीन को, पुरानी मशीन हो गई है, आप उसको बेचना चाहते हैं, आज का वीडियो खरीदने के लिए नहीं, आज का वीडियो बेचने के पर्पज है। अगर आप अपनी मशीन को बेचना चाहते हैं, आपके पास कोई भी पुरानी मशीन है कैनन की, मैं कैनन का सिर्फ आज का वीडियो कैनन के लिए है, कैनन की अगर आपके पास कोई भी पुरानी मशीन है, जो अगर आपको अपनी मशीन बेचनी है, अगर आपको अपनी पुरानी मशीन बेचनी है तब आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है कि कोई उसको मिलता नहीं है। हम फेस करते हैं इस चीज़ को कि हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ प्रॉब्लम रहती है कि अपनी पुरानी मशीन कहाँ बेचे जाके, अपनी पुरानी मशीन का कोई लेने वाला नहीं मिलता। फिर आखिर में ये होता है कि वो मशीन ऐसा कबाड़ी वाला ले जाता है, तो कबाड़ी वाले रेट पे ले जाएगा, जो उस समय की वैल्यू होगी मशीन की, वो उस वैल्यू के बेस पे हम आपकी मशीन को परचेज कर लेंगे आपसे। और आपके ही शहर में अगर आपके आसपास कोई लेने वाला दूसरा है जिसको पुरानी मशीन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम भेज देंगे, बस हमारा ये काम है। तो अगर आपके पास कोई भी मशीन है पुरानी, लखनऊ में रहते हैं आप, सीतापुर में रहते हैं आप कहीं से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, ऑल ओवर पैन इंडिया से देख रहे हैं, फिलहाल हम यूपी में काम शुरू करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर लेंगे, हम मशीन मंगवा लेंगे लखनऊ या हम अपने क्लाइंट को वहाँ से भेज के चेंज करा लेंगे। लेकिन अगर आप यूपी के बाहर के हैं, अगर आप हिमाचल से बात कर रहे हैं, आप कर्नाटक से बात कर रहे हैं, नागपुर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश कहीं से बात कर रहे हैं, कि अगर आप बाहर से भी अपनी मशीन को बेचना चाह रहे हैं तो कैसे बेचेंगे, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको मशीन को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, आप मशीन को क्या आपके आसपास नियर बाई ट्रांसपोर्ट पर डलवा सकते हैं, नहीं डलवा सकते हैं, इस बाबत हम बात कर रहे हैं। तो जल्दी ही सब कुछ प्लान हो जाएगा, हम आपको बताएंगे कि क्या यूपी के बाहर का काम स्टार्ट हुआ, नहीं स्टार्ट हुआ। अभी जो प्लान है वो है यूपी का ही। अगर आप यूपी के किसी शहर से बिलोंग करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी शहर से रहते हैं, अगर आपको पुरानी मशीन की रिक्वायरमेंट है, आपको पुरानी मशीन बेचनी है, आपको पुरानी मशीन खरीदनी है, अगर आपको पुरानी मशीन बेचनी है, आपको पुरानी मशीन खरीदनी है, कैनन की पुरानी मशीन, फोटोकॉपी वाली, हैवी ड्यूटी चाहिए, छोटी मशीन चाहिए, 30 कॉपी स्पीड की चाहिए, 50 कॉपी स्पीड की चाहिए, 100 कॉपी स्पीड की चाहिए, सारी मशीनें अगर आप बेच रहे हैं तो भी आप हमसे बात करिए, अगर आप खरीद रहे हैं तब भी आप हमसे बात करिए, हम आपकी मशीन परचेज कर लेंगे और जिसको रिक्वायरमेंट है उसको सेल कर देंगे, आपको आपकी मशीन की अच्छी कीमत मिल जाएगी, जो पुरानी मशीन परचेज करना चाहता है उसको उसके रेट पे उसको पुरानी मशीन मिल जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस इतना है, हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी अपने सब्सक्राइबर्स को और यूट्यूब पर जो लोग देखते हैं इस टाइप की वीडियो, जिनको अपनी मशीन बेचनी है और जिनको अपनी मशीन खरीदनी है, पुरानी मशीन बेचनी है, पुरानी मशीन खरीदनी है, इन दोनों टाइप के लोगों को स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आइए, आप हमारे वीडियो को देखिए और आप कहीं से भी हो, अगर आपको कोई मशीन चाहिए तो आप हमसे बताइए, हम अगर आज हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी तो हम उसको अरेंज करके आप तक पहुँचा देंगे, मतलब हम उस पर काम कर रहे हैं, हम उसको अरेंज करके आप तक पहुंचा देंगे, हमारे पास काम करने के लिए पूरी टीम है जो पुरानी मशीन को अच्छे से तैयार करके भी आप तक के पहुंचाई जा सकती है। अगर आपके पास पुरानी मशीन है तो पुरानी मशीन को परचेज करके उसको विदिन टू वर्किंग डेज में उसको अच्छे से मेंटेन करके, रिपेयर करके, आपके अकॉर्डिंग, मतलब जैसा आप बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम उसको फर्स्ट आरसी बना देंगे, मतलब अच्छे से तैयार कर देंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं काफी काम निकालने वाला मतलब चाहिए तो काम निकालने वाला मतलब कर देंगे, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट बेस पे हम आपको मशीन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम जितना ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, अगर आपको जरूर रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है पुरानी मशीन की अच्छे रेट पे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको अच्छी मशीन मिलेगी और अच्छे रेट पे मिलेगी, सबसे बड़ी बात अच्छे रेट पे मिलेगी। और तो अगर आप, हमने अभी एक मशीन नागपुर भेजी है, दो मशीनें नागपुर भेजी है, तो उसका वीडियो बाय बटन में डाल देंगे, आपको अगर देखना हो कि क्या प्रोसेस है यहाँ से ट्रांसपोर्ट वगैरह इजीली जाता नहीं जाता, तो वो बटन में आई बटन पर डाल दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि क्या, मतलब जो सीन है अच्छा है,
और यहाँ से मशीन अच्छे से पैक होकर आएगी आपके पास, टूट फूट नहीं होगी कोई, और पूरे मतलब जिम्मेदारी के साथ काम होता है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्द कोशिश करिएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कॉल करिएगा, कॉल व्हाट्सअप किसी माध्यम से आप हमसे जुड़िएगा, नंबर हमारा नीचे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आप YouTube पे अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो आप। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं इस वीडियो को, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट को मैं पूरा कर पाऊँ, आपकी जो जो जरूरतें हैं वो हमसे पूरी हो पाए। तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।